हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, ओके, जहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर गिरावट हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो कैपिटल पॉइंट, दूसरे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो IEX। देखिए, नाम देख के चले जाना कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि क्यों बता रहा हूँ कि इन स्टॉक्स में और गिरावट हो सकती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इसलिए ताकि आप जान सके कि क्यों गिरावट हो सकती है, और इस बेसिस पे आप खुद यहाँ पर इसके चार्ट के बेसिस पे आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आपको एंट्री कब करनी है। इस वीडियो में आपको ये चीजें मैं सिखा दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले, आप यहाँ पर देख के सीख सके, और जब सीखेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दो स्टॉक, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, IEX और बात कर रहे हैं कैपिटल पॉइंट, यहाँ पर गिरावट हो सकती है। एक मल्टी बैगर शेयर साबित हुए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IEX की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे IEX को, तो IEX में एक अच्छी खासी जंप हुई। कितनी बार मैंने आपको ये स्टॉक्स बताया, मेनी टाइम्स आपको बताई होगी, बहुत बार इस स्टॉक्स के बारे में आपको बताया, बार बार इस स्टॉक्स के बारे में बताया। हमने इसके स्प्लिट का भी स्प्लिट ही हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इसका स्प्लिट हुआ था, उसको एंजॉय किया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें हमने काफी बार इन्वेस्ट किया, बीच बीच में इन्वेस्ट किया, और अच्छे खासे इसमें पैसे भी कमाए, नो डाउट। बट क्या बेकार स्टॉक है? बिल्कुल भी बेकार स्टॉक नहीं है। क्या हमें अभी खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। और क्यों नहीं खरीदना चाहिए, उससे पीछे का रीजन है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो IEX की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वन ऑफ द गुड स्टॉक जिसने एक मल्टी बैगर रिटर्न दी है। अभी 2000 अगर बात कर रहे हैं, ये 17 में ये शेयर आया था, एक कंसोलिडेशन फेज, उसके बाद शेयर ने अच्छे खासे रिटर्न दिए, और अब एक गिरावट का फेज यहाँ पर चालू है, ओके। और गिरावट के बाद जब ये शेयर भागना शुरू करेगा तो याद रखिए मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे। बट क्या अभी ये रिटर्न तुरंत देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट कैप तो अच्छी खासी है, ओके, शेयर भी काफी अच्छा खासा है, सब चीज अच्छे खासे है, एक्सचेंजेस है इसमें, ये जो भी गैस का एक्सचेंज है, इंडियन गैस एक्सचेंज, ऐसी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दोनों गैस एक्सचेंजेस की ही एक कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ROE काफी बेहतरीन है, डेट फ्री कंपनी है, ऐसी शेयर बहुत कम मिलते हैं। बट याद रखिए, एक चीज भागने के बाद वो थोड़ी सी थकती भी है, थकने के बाद वो रुकती भी है, रुकने के बाद वो आराम भी फरमाती है, और आराम फरमाने के बाद जब उसमें दोबारा एनर्जी आती है, याद रखिए इस तब भागता है। तो इसी तरीके से अभी ये थोड़ा सा भागने के बाद थक गया था, थकने के बाद इसने थोड़ा सा अभी ये आराम कर रहा है, ओके, आराम करने का जैसे इसमें एनर्जी आएगी दोबारा भागेगा। तो एनर्जी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जब एनर्जी आएगी तब इसे खरीदेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। तो अब क्या है, देखिए, डेट फ्री कंपनी, ROE बेहतरीन, और इंडस्ट्री का PE 22, इसका PE 52, लगभग 30 के यहाँ पर ज्यादा ये PE चल रहा है, तो कहीं ना कहीं PE रेशियो इसका महंगा है। तो इस PE रेशियो को थोड़ा सा अब एडजस्ट होने दीजिए, थोड़ा टाइम लेगा, ऊपर नीचे यहाँ पर स्टॉक्स होगा, फिर जब भागना शुरू करेगा अच्छा खासा रिटर्न देगा, और वो कब देगा उसको हम यहाँ पर जब चार्ट पे चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, सेल्स कंपनी की सेल्स लगातार अच्छी खासी है, ओके, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे खासे है, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न भी पेश कर चुकी है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आ रहे हैं कंपनी के लगातार, और मार्जिन पे अब थोड़ा थोड़ा दबाव आना शुरू हो गया है। क्या कह रहा हूँ, मार्जिन पे थोड़ा थोड़ा दबाव आना शुरू हो गया है, 85 का था, 85 फ्लैट, नेक्स्ट टाइम के रिजल्ट शायद दोबारा फ्लैट होते हुए नजर आएंगे, और उसके नेक्स्ट टाइम के तो और फ्लैट होंगे। तो याद रखिए सेप्टेम्बर तक, ओके, सितंबर और दिसंबर, जो कि ये पूरा मंथ है, लगभग 6 महीने है, 6 महीने तक मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक्स अब यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है, ओके, बट 6 महीने के बाद जैसे ये शेयर जब परफॉर्म करना शुरू करेगा, ओके, 6 महीने या फिर 1 साल बाद, ओके, नेक्स्ट मार्च के बाद जब परफॉर्म करना शुरू करेगा, तो याद रखिए एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर उस टाइम अगर शेयर को खरीदेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। तो क्या अभी ये अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का है तो याद रखिए, इस शेयर को आप कभी भी किसी भी वक्त खरीद सकते हैं, आंख बंद करके खरीद सकते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस रख के खरीदेंगे तो याद रखिए नीचे पे खरीदेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। इस चीज को थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, दैट्स इट। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, बोरोइंग की बात करें लगातार कम हो रही है, 10 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है कंपनी के पास। इसके अलावा यहाँ पर FIIs की होल्डिंग देखिए, यहाँ पर कम हुई है, DIIs की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, पब्लिक की होल्डिंग की बात करें, पब्लिक की होल्डिंग 53
बड़ी है। जैसे जब पब्लिक की होल्डिंग बढ़ने लग जाए ना, तो कहीं ना कहीं सोचिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है। ओके, गड़बड़ी इन द सेंस बेकार नहीं है, जिस शेयर अच्छा है, बट अभी बड़े लोग भी बेच रहे हैं, उन्हें पता है ऑलरेडी यहाँ पर शेयर यहाँ पर ऑलरेडी चल चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्जिन पर इफेक्ट पड़ेगा। और मार्जिन का इफेक्ट कब तक पड़ेगा यहाँ पर, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कब तक पड़ेगा, ये लगभग अगले मार्च तक, लगभग बात करें 9 महीने, 9 महीने तो समझिए, 6 से 9 महीने ये शेयर अभी दबाव में रहेगा। तो यहाँ पर उसके बाद शेयर को खरीदेंगे तो अच्छा मजा आएगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन है, इसी लाइन को बार बार इधर टच किया, दोबारा इधर टच किया, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर देखिए ऊपर का लेवल की बात करें, इस लेवल को यहाँ पर ये रेस्पेक्ट कर रहा है। अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ओके, आज इसने उस सपोर्ट को यहाँ पर देखेंगे तो ये सपोर्ट पर रिस्पेक्ट कर रहा था, उस सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ के यहाँ पर नीचे आ गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे ऐसी कोई कैंडल नहीं बनाई है इसने कि यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहे। बट यहाँ पर इसका अगला सपोर्ट की बात करूँ तो अगला सपोर्ट सीधे आता है 147 148 के आसपास, और उसके बाद भी थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, और 134 लगभग, अगर शेयर ये 130 से लेके 150 के बीच में ये शेयर आए और उस टाइम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है, उस टाइम आप ये इस शेयर में बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, उस टाइम यहाँ पर आप शेयर में इन्वेस्ट दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि तब तक यहाँ पर थोड़ी सी चीजें ऊपर हो लेगी। अब इस शेयर को ऊपर जाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर 200 का लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है। ओके, जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक बार और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, ओके, इस लाइन को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और जो ये लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दे रखी है, ओके, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी यहाँ पर क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तब जाके इसमें एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, जिसमें मुझे लगता है कि ये 6 महीने से 1 साल का टाइम इजिली, 9 महीने इजिली निकाल देगा। और ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर का लेवल जब तक ये इस लेवल को 251 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक तेजी के बारे में मत सोचिए। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके चीजें काफी बार नीचे आ गई है, अब केवल और केवल यहाँ पर नीचे जाके कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा, और जब नीचे आएगा आप इस शेयर में केवल स्विंग ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेड कब करना है, जब नीचे आ जाए ना शेयर और कुछ कैंडल बन जाए, उस टाइम यहाँ पर बाइंग के बारे में आप सोच सकते हो। तो IEX पे ये मिली राय है, तो 6 से 9 महीने शायद ये शेयर यहाँ पर परफॉर्म ना करे, बट उसके बाद जब ये शेयर परफॉर्म करना शुरू करेगा तो अगेन मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, और 300 रुपए वाला शेयर दोबारा 900 रुपए पे जाने की पूरी काबिलियत रखता है। तो थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर पैसे बनेंगे। तो अब दूसरे शेयर की बात करें, दूसरा शेयर है कैपलिन पॉइंट। ये शेयर की अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इसमें काफी बार एंट्री ली, काफी बार मैंने इसे बेचा, ओके, और 1 रुपए भी नहीं कमाया, टू बी वेरी फ्रैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप, मैं आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो मैं इस शेयर को लगभग लगभग जब से ये 150 रुपए पे ये स्टॉक्स था, यहाँ पर था ये स्टॉक्स, ओके, नीचे था ये स्टॉक्स काफी 150-250 के आसपास था, तब मैंने एंट्री ली थी, ओके, तब भी मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। फिर उसके बाद बात करें तब फिर बेचने के बाद दोबारा भागा, फिर मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, फिर यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेच दिया इसके बीच में ही, और यहाँ पर ये फिर दोबारा भागा, और अगेन यहाँ पर बात करें कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर चल रहा है। काफी मल्टीबैगर स्टॉक है, आप देख सकते हैं, अगर किसी ने यहाँ पर 2 रुपए 1 रुपए पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो इस शेयर ने, अगर मैं 2005 से बात करूं तो 2005 से इस शेयर ने 1,88,348% के रिटर्न दिए, मतलब करोड़पति बनाया है। तो ऐसे शेयर बहुत कम मिलते हैं। तो क्या बेकार स्टॉक्स है? बिल्कुल स्टॉक्स हैं। क्या अभी एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कब करनी चाहिए वो बात मैं आपको बताऊंगा। पी रेशियो की बात करें, 19 का इंडस्ट्री का पी 25 का, कहीं ना कहीं सस्ता है शेयर। ROC ROE 30 और 23 का है, डेट फ्री कंपनी है, और स्मॉल कैप पर कंपनी नजर आती है। 1035 का हाई लगा के नीचे आ रहा है, और जैसे आरती यहाँ पर ड्रग्स, आरती ड्रग्स के साथ क्या हुआ था, आरती ड्रग्स यहाँ पर लगातार भागा था, ओके, भागने के बाद शेयर स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद लगातार इसमें गिरावट थी, ओके, और आज तक 1,000 रुपए के लेवल से यहाँ पर 426 रुपए के लेवल पे ही आ गया है। तो इसी तरीके से कैपलिन पॉइंट भी यहाँ पर आपको शेयर गिरता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ऊपर के लेवल पे यहाँ पर केवल निकलना है, एग्जिट करना है, एंट्री नहीं करनी है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको इसके रिजल्ट पे ले जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी का मार्जिन पे इफेक्ट आ रहा है, ओके, और इस मार्जिन के इफेक्ट की वजह से अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके रिजल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है कंपनी का, ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब मार्जिन है 21 का। अगली बार के रिजल्ट के अगर बात करें ईयरली बेसिस पर भी हम कंपेयर करेंगे, वो भी यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देंगे, और उससे बाद के भी तो अगेन 6 से 9 महीने,
और बात करूं तो एक साल तक यहाँ पर इस शेयर को अभी देखना बंद कर दीजिए। बट आप इसमें एंट्री ले सकते हैं सेम क्या जब यहाँ पर नीचे आएगा, और कब आएगा उसके रिलेटिव बातें करेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग करनी है इसमें याद रखिएगा। सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स लगातार तेज हुई है। यहाँ पर बात करें, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी डेट फ्री है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 करोड़ का ही यहाँ पर टैक्स है, जिसके अगेंस्ट में 1500 करोड़ के आसपास के यहाँ पर रिजर्व है। तो कंपनी आगे चल के शायद बोनस भी दे दे। प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर भी बट धीरे धीरे यहाँ पर देखिए एग्जिट कर रहे हैं। 69.03 से 68.9 किया, 68.89 किया इस बार। FIIs की होल्डिंग कम हो रही है, DIIs की होल्डिंग एज इट इज ही समझिए, और पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। कैपलिन पॉइंट की बात करूं, कैपलिन पॉइंट अब लोअर हाइज बनाता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, अब यहाँ पर हाई बनाया। नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर आसपास यहाँ पर कहीं हाई बनाता हुआ दिखाई देगा, और शेयर मुझे कहाँ तक गिरता हुआ दिखाई देता है, मैं उससे रिलेटेड बातें कर देता हूँ। शेयर ने इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल को याद रखिए, ये लेवल है 652 रुपए का। 652 के लेवल को जिस दिन इसने तोड़ा, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पर तोड़ेगा, जिस दिन भी गिरावट हो गई, इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पर ये शेयर सीधे आता हुआ दिखाई देगा। किस लेवल पे? इस लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है, 470, और उसके बाद 400 रुपए के आसपास का लेवल यहाँ पर टच कर सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। एज वेल एज यहाँ पर ये कंसोलिडेशन लग रहा होगा लोगों को, बट ये कंसोलिडेशन नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दिन तेजी करके आपको लोगों को फंसाया जाएगा। यह शेयर फिर आपको 800 और 900 रुपए के भाव पे आपको आपके हाथों में पकड़ाया जाएगा, और हो सके तो शायद 1000 रुपए के लेवल पे आपको ऊपर आपके हाथों में, आपके मत्थे पे, आपके पोर्टफोलियो पे चिपकाया जाएगा। और फिर उसके बाद जब चीजें गिरेगी तो ये शेयर फिर दोबारा 400 पे आ जाएगा। तो बिवेयर रहिएगा इन दो स्टॉक से, IEX और कैपलिन पॉइंट। कहीं ना कहीं ऊपर ले जाके दोबारा यहाँ पर फंसाया जाएगा। IEX में तो हुआ भी था, IEX में देखें यहाँ पर आप देखेंगे शेयर ऊपर भागा था, भागने का गिरावट हुई थी। फिर यहाँ पर यहाँ से लगातार गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद यहाँ पर देखिए 252 तक आया था, 252 के बाद लगातार इसमें गिरावट है। तो ऊपर के लेवल पर ही फंसाया जाता है। तो कैपलिन पॉइंट में यहाँ पर जिस दिन भी यहाँ पर ऊपर के लेवल पर जाए तो बेच के निकलने की राय रहेगी। नीचे की बात करूं, नीचे गिर जान दीजिए, बीच में कोई ऐसी कैंडल बनेगी जैसे कि यहाँ पर हैमर वगैरह, तो उस टाइम एंट्री करिएगा, और वो भी किसके लिए? स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग में यहाँ पर पैसा कमा के चुपचाप दोबारा निकलिएगा। तो इसी तरीके से पैसे बनते हैं, इसी तरीके से बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये चीजें सीखनी होगी। लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन नजर आता है, बट बीच बीच में इस तरीके की गिरावट आती रहती है। याद रखिए 2017 में जिसने एंट्री करी थी, 2020 तक उसका पैसा कितना? 1/3 होता हुआ नजर आया था। केवल 20-25% यहाँ पर रह गया था, 70-80% पैसे गायब हो गए थे। बट उसके बाद अगर जिसने होल्ड किया होगा, एक ही बार में पैसे मिले होंगे, बट वो भी रो रो के मिले होंगे, और मुझे नहीं लगता है इतने किसी ने वेट भी किया होगा। तो चीजें समझने की जरूरत है। कंपनी अच्छी है, सब चीज अच्छा नजर आता है, बट कैपलिन पॉइंट और IEX दोनों में यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये दो लेवल है जहाँ पर चीजें ऊपर और ऐसे नीचे आती हुई दिखाई देगी, और ऊपर जब तक इन लेवल को क्रॉस ना करे, और क्रॉस भी कर देता है तो चुपचाप एग्जिट करिएगा, क्योंकि शेयर भागेगा नहीं, अब नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।